अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने याए मारूफ, याए मजूल, वाव मारूफ और वाव मजूल को पढ़ा और समझा था और इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम इनकी मिसालों को पढ़ेंगे। याए मारूफ, छोटी ये, ऐसी छोटी ये जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, ये छोटी या गोल ये से जाहिर की जाती है। ऐसे अल्फाज जो लफ्ज के आखिर में छोटी ये लगाते हैं, याए मारूफ कहलाते हैं। बच्चों, याए मारूफ यानी छोटी ये जिन अल्फाज में आती है उनकी आवाज ई की निकलती है। तो अब हम याए मारूफ की मिसालें पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ साथ इन मिसालों को पढ़िए। खाली, माली, पानी, हाली, तितली, रानी, घड़ी, बकरी, वादी, गाड़ी। याए मारूफ यानी छोटी ये जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आती है तो शोशे के नीचे दो नुक्तों की शक्ल में होती है। इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर होता है और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। पीर, तीर, हीर, फकीर, मरीख, नीम, मरीज, गीत, बदीन, नील। याए मजूल जो खींची नहीं जाती, जो खुल कर पढ़ी ना जाए, याए मजूल कहलाती है। याए मजूल के अल्फाज जब पढ़े जाते हैं तो उसमें ए की आवाज आती है। तो वो अल्फाज के जिनके आखिर में बड़ी ए आए, उन अल्फाज को पढ़ते हैं। पौधे, तारे, कतरे, गजरे, अंडे, जाड़े, घोड़े, ताले, कीड़े, छोटे, नक्शे, नीचे। याए मजूल यानी के बड़ी जब लफ्ज के दरमियान में आए तो शोशे के नीचे दो नुक्तों से जाहिर होती है और उससे पहले वाला हर्फ खाली होता है, यानी उस पर कोई जेर जबर नहीं होता। रेल, सेब, मेज, देखो, खेल, केला, तेज, जेल, दिलेर, लेट। वाव मारूफ, ऐसी वाव की जो खुल कर पढ़ी जाए और वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश हो और वाव को पेश के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसको वाव मारूफ कहते हैं। वाव मारूफ की मिसालों को हम पढ़ेंगे। बू, फूल, खूब,
दूल्हा, मूंछ, सूरत, चूल्हा, मशहूर, गुरूर, जूता। वाव मजूल यानी कि वो वाव कि जिससे पहले वाला हर्फ खाली हो, यानी उस पर कोई पेश और जबर ना हो और उसे खाली वाव से पढ़ा जाए, यानी कि इसमें वाव जाहिर होता है। मोर जौहरी, लोहा, ठोकर,